हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका जनवरी मंथ कैसे रहने वाला। हम उसमें देखेंगे आपका लव लाइफ, करियर एंड आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। और उससे पहले भी हम कुछ मैसेजेस आपके लिए लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, अभी 100 रुपीज़ वन क्वेश्चन 100 रुपीज़ का अभी मेरा ऑफर चल रहा है। तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें मैसेज करके मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हैं यहाँ पर। और मेरा एक और चैनल है यहाँ पे, आर्या एंजेलिक गाइडेंस 2.2, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी रीडिंग्स आती रहती हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। न्यूक्लियस, द पावर विद इन स्टार इज़ द पावर विद इन यू। तो जो पावर यूनिवर्स के पास है, सेम पावर आपके पास है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स से ही आप हो और आपसे ही यूनिवर्स है, कह सकते हैं। हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं से हैं और वो हमसे हैं, हम उन्हीं के पार्ट हैं, हम उन्हीं में वहीं रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पावर स्टार्स के पास है, सेम पावर्स आपके पास है, कह लीजिए जो सेम जो गॉड के पास है। कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना, आप गॉड के अंश हो, उन्होंने ही आपको बनाया है, ठीक है। तो आप में भी कुछ पावर है। हाँ, आप में से बहुत लोग को अपने पावर का अंदाज़ा नहीं है, नहीं जानते, नहीं पता जागृत कैसे की जाती है, ठीक है। और पता भी होता है तो उसका यूज़ कैसे करना है ये नहीं पता होता, राइट। तो यही चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, चूँकि हमें पता ही नहीं हमारे पास जो भी पावर है उसका यूटिलाइज़ कैसे करना है, ठीक है, सही तरीके से। हम बने किसी और चीज़ के लिए रहे होते हैं, हम ट्राई कहीं और कर रहे होते, कोई कुछ कुछ और काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ हमें सक्सेस नहीं मिलती और हमें लगता है हम लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं। क्यों? चूँकि हम जिस चीज़ के लिए बने हम वो काम ही नहीं कर रहे होते, हम कहीं और ही अपना एनर्जीज लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, आपके अंदर भी वही पावर है जो स्टार्स के अंदर है, ठीक है। आपको समझना होगा, उसको पहचानना होगा, ठीक है, उसे जानना होगा, क्योंकि आपके अंदर भी वो पावर है कि आप शाइन कर सको लाइफ में, ठीक है, सक्सेस पा सको अपने लाइफ में। एक्वेरियस, आइए देखते हैं। अनलेश, होल्डिंग नथिंग बैक, एक्सपैंड इन टू द यूनिवर्स। कोई भी चीज़ आपको पीछे ना खींच पाए, और ये तो बहुत ही अच्छा समय है कि आप नए साल पे आगे बढ़ रहे हो। तो कुछ भी पुराना, कुछ भी ऐसा है जो आप 2023 में छोड़ चुके हो, उसको अब आप पास्ट में वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ आपको वापस अपनी तरफ ना खींचे। अब आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचो, अपने एक्सपेंशन के बारे में सोचो और ग्रोथ के बारे में सोचो कि आगे क्या करना है, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज है, आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस। जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में हम कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस लेंगे, वो यही मैसेजेस हैं। क्रिएटिविटी, यहाँ पे जो आपकी क्रिएटिविटी है वो सामने आने वाली है, निखर के बाहर आएगी। आप बिगड़े हुए चीज़ों को भी अच्छे से कैसे बना सकते हैं, आप ये बताओगे कि परफेक्शन जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम जो चाहे उसमें मतलब जो भी चीज़ है उसको भी इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन है कह लो, वो ऐसा है, वो उसकी खूबसूरती है, ठीक है। ये भी यहाँ पे साबित करने में यहाँ पे सफल रहोगे, मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि आपके हाथों कुछ अच्छी चीज़ बन सकती है, ठीक, कुछ अच्छी चीज़ क्रिएट हो सकती है। आप कुछ बनाओगे जिसको अप्रिशिएट किया जाएगा, जिसकी तारीफ़ की जाएगी, जो कि सुंदर होगा दिखने में, काफ़ी खूबसूरत होगा। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जैसे कि मैंने बोला भी पहले कि कुछ ख़राब भी होगे ना, उसको भी आप ठीक कर सकते हो, उसको भी आप सुंदर से निखार सकते हो, ठीक है। ये पावर आपकी आपको आगे लेके जाएगी। और ये सिर्फ पावर, सिर्फ उसकी बात नहीं है कि मैं किसी क्राफ्ट की बात कर रही हूँ, अगर किसी से किसी यार रिश्ते भी ख़राब हो गए ना, तो उसको कैसे बनाना है ये आपको अच्छे से पता है, और ये क्रिएटिविटी आपकी इसमें भी दिखाई देगी। सिर्फ क्रिएटिव मतलब ये नहीं कि आप क्राफ्ट्स ऑफ कलर्स के साथ खेल रहे हो, नहीं, कुछ ऐसी भी चीज़ें लाइफ में अगर बिगड़ी हुई हैं तो आप उनको बनाने में यहाँ पे सक्षम हो, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करिए, ठीक है। ओके, एंजल्स मैसेज भी लेंगे यहाँ पे आपके लिए क्या है। अपॉर्चुनिटी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है, लाइफ में। आप उनको संभालना, आप उनको ग्रैब करना, देखो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे,
ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ गिरने वाली हैं आपके ऊपर बहुत सारी, ठीक है, तो उनको हाथ से जाने मत देना, उसका जितना फ़ायदा हो सके उठाओ अपने लिए, क्योंकि ये मौका आपकी लाइफ में आ रहा है, जनवरी लेकर आ रहा है, ठीक है, तो उस मौके को जाने मत देना, क्योंकि यही एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी में से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेगी जो आपको आगे लेके जाएगी बहुत, ठीक है। तो ये नहीं कि आ रही है तो रहने देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो फिर ये इसका मौका कोई और उसका मतलब फ़ायदा उठाएगा, ठीक है, आपको आपको भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप नहीं लोगे तो दूसरे उसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है, बाज की नज़र रखनी है, चील की नज़र रखनी है, और देखो कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स की तरह आपके जीवन में आने वाली है जनवरी मंथ में। अब देख लेते हैं आपके लव लाइफ से शुरू करते हैं, आपका लव में कैसा रहने वाला है जनवरी मंथ में। यहाँ पे जस्टिस है, फूल है, ओके, मैजिशियन है, मेजर अरकाना है, तीन मेजर अरकाना है यहाँ पे, ओ माय गॉड, फोर मेजर अरकाना, लवर्स, क्या बात है, क्यूरियस, ओ माय गॉड, फाइव मेजर अरकानास, ये कैसे पॉसिबल है कि फाइव मेजर अरकानास, माने बहुत बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं यहाँ पे। आइए देख लेते हैं, सबसे पहले आपके लाइफ में यहाँ पे बहुत प्यार करने वाला पार्टनर, बहुत एफर्ट करने वाला पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है, एंड यहाँ पे आप रिलेशनशिप में आपका सोलमेट होगा, एंड आप दोनों मिलके इसको सक्सेसफुल बनाने में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो, आपको जो बैलेंस करेगा यहाँ पे वो पर्सन आपके जीवन में अब आ रहा है। यहाँ पे फूल का कार्ड आते हुए दिखाई दे रहा है आपका पर्सन यहाँ पर, और उनकी बात कर लीजिए जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या सेपरेशन में, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो भी आप चाहते हो, और आप और आपका पार्टनर दोनों एफर्ट्स करेंगे इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, ओके, मैरिज चाह रहे थे या बेबी चाह रहे थे अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, तो ये पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहा है, अगर ऑलरेडी आप दोनों रिलेशनशिप पे है तो ये साल आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ही अच्छा है, बैलेंस आएगा अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो, ठीक है, और सेपरेट थे तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर कुछ एफर्ट कर सकता है, आप तक आ सकता है, चूंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता, आप दोनों का जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है एक दूसरे को आप खींच रहे हो, ठीक है, वो भी आपके बिना यहाँ नहीं रह पा रहे हैं, एंड दूसरा वो जस्टिस मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों को रिलेशनशिप में, ठीक है, आप दोनों का साथ ही होना लिखा था तो ईश्वर आप दोनों को मिलाएगा, लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है, ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाओगे आप दोनों। करियर का देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर, करियर कैसा रहने वाला है जनवरी के मंथ में। Four of Swords, King of Wands, the Fool, Five of Cups, and the Lovers. देखिए काम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा यहाँ पे, आपकी जो पार्टनर है अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, मतलब लव रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको गाइड कर सकते हैं यहाँ पे, आपको एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, तो ये भी उसके लिए अच्छा है। और हाँ कुछ डिसअपॉइंटमेंट, देखिए आपका काम थोड़ा सा, आपका प्लान वगैरह जो रहेगा ना करियर में आगे जाने का, ये वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होगा, तो अल्टरनेटिव लेके चलिए, एक बैकअप प्लान भी साथ में लेके चलिए, और ये नहीं कि एक प्लान खराब होता है तो हम उम्मीद ही छोड़ दें, ये ना हो, इस वजह से एक बैकअप प्लान होना चाहिए आपका करियर में, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है उस चीज के लिए। दूसरा यहाँ पे किंग ऑफ वैंस, आपका कॉन्फिडेंस आपके करियर में आपको सबसे ज्यादा आगे लेके जाएगा, और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी यहाँ पे समझ में आएगी, आपकी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज भी यहाँ आपको मदद कर सकती है। यस यहाँ पे कह रहे ना, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ आपके जो प्लान्स हैं वो खराब हो सकते हैं, जो आपने किए हों कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करियर में, तो हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, या तो आप कह लो कि आपका अगर पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी तो उसका इंपैक्ट आपको अपने करियर पे भी देखने को मिल सकता है, ये भी प्रॉब्लम है। एट द लास्ट यहाँ पे आपके लिए बीच में सेंटर में आया है द फूल, जो कि दिखाई दे रहा है कि यस अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो चीजें आप काफी हद तक हैंडल कर सकते हो, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स में भी यही दिख रहा है कि अगर पांच कप में से तीन कप गिर गए फिर भी दो कप है, तो आप चाहो तो बचा के आगे ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको खुद को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ पे करियर को अगर संभालना है ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप पॉजिटिविटी होना चाहिए, ये एटीट्यूड के साथ आगे जाओगे तो आप अपने करियर को बैलेंस कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। आइए हेल्थ के लिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। फिलहाल आपके लिए दो कार्ड्स अलग अलग डिक्स लवर्स आ चुका है यहाँ पे, तो
हो सकता है आप में से काफ़ी लोग का करियर के करियर में भी डिस्ट्रैक्शन आपका लवर्स का कार्ड बन सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आप अपने पार्टनर की वजह से अपने लव रिलेशनशिप के चक्कर में भी करियर में भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके आ सकता है यहाँ पर जनवरी मंथ में। आइए देखते हैं। कुछ लोग के लिए सपोर्ट भी हो सकता है, कुछ लोग के लिए डिस्ट्रैक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ के लिए देख लेते हैं। कुछ बदलाव तो दिखाई दे रहे हैं कि हेल्थ में होंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स। थोड़ी सी मुझे हेल्थ यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको थोड़ा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। या तो अगर आपको लग रहा है कि यह हेल्थ इश्यूज इस वजह से है कि थोड़ा सा प्लेस चेंज होना चाहिए, एक जगह रह रहे कि थक गए हैं, थोड़ा वेकेशंस वगैरह पे जा सकते हैं, खुद को अच्छा फील करा सकते हैं। आजकल तो लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज तो मेंटल हेल्थ की होती है, ठीक है। लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है यहाँ पे, तो मुझे लगता है आपको अपने मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो किसी तरीके से, तो उस पर ज़रूर काम करिएगा। एंड मैं यहाँ पे ये दिखाऊँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वेकेशंस वगैरह पे भी जाना आपके लिए अच्छा होगा, खुद को रिलैक्स फील कराना भी अच्छा है। ऑल टाइम काम 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 ठीक नहीं होगा आपके लिए। दूसरा ये भी मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि खुद का ध्यान रखना है, खुद का ध्यान। अगर आपकी कोई अभी रिले आपका कोई रिलेशनशिप में कह रही हूँ, आपका कोई हेल्थ इशू अगर चल रहा था, ठीक है, हेल्थ इशू अगर चल रहा था जैसे मेंटल हेल्थ या कोई प्रॉब्लम, उसमें बदलाव मुझे दिख सकता है, ठीक है। उसमें कुछ बदलाव आएगा, थोड़ा ठहराव आएगा, ठीक है, थोड़ा ठहराव आएगा। लेकिन यस, आप हम जितना अपने आप को बचा के रख सकते हैं उतना अच्छा है, बट यस, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसकी वजह से आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चलता रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, परेशान रह सकते हो चीज़ों को लेकर कि काम कैसे करना, आगे कैसे बढ़ना है, तो ये चीज़ आपके लिए दिमाग में चल सकती है। ओके, तो ये चीज़ आपको टेंशन थोड़ी सी दे सकती है। हेल्थ इश्यूज इस तरह के हो सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि फिजिकली कोई प्रॉब्लम ऐसा मुझे यहाँ बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर चल रही है कोई इश्यू चल रहा है हेल्थ का, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वो जरूर देखने को मिलेगा, बट यस, मेंटल हेल्थ का कुछ ना कुछ चलता रहेगा, अप डाउन देखने को मिलेगा, कभी अच्छा रहेगा, कभी सही परेशान हो सकते हो चीज़ों को लेकर ज़्यादा, तो ऐसा हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।